कन्वेक्शन माइक्रोवेव का मतलब है इसके अंदर दो हीटर रहेंगे, एक ग्रिल हीटर होगा जो कैबिनेट के अंदर से फिट किया हुआ है, ये जो है ग्रिल हीटर है, और दूसरा जो है कन्वेक्शन हीटर, ये पीछे वाजू होता है, सामने से देखेंगे कैबिनेट के अंदर तो वहाँ पे फैन दिखाई देगा। इसका मतलब आप कन्वेक्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फैन भी चालू होगा और हॉट एयर जो है सर्कुलेशन होगा, इसके लिए उसको कन्वेक्शन माइक्रोवेव बोला जाता है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव है जनरली चारों बाजू से फूड के ऊपर ब्राउनिंग इफेक्ट मिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिल माइक्रोवेव के ऊपर फूड के ऊपर टॉप से ब्राउनिंग इफेक्ट मिलता है, कन्वेक्शन माइक्रोवेव में हॉट एयर सर्कुलेशन बोला जाता है, फोर्ट सर्कुलेशन की वजह से फूड के ऊपर चारों बाजू से आपको ब्राउनिंग इफेक्ट मिलता है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई कॉर्ड जो है, ये सप्लाई कॉर्ड हमारे प्लग पॉइंट में लगाएंगे तो सप्लाई जो है, जो भी वोल्टेज है या जो भी एसी करंट है, ये पहले नॉइज़ पीसीबी में आ जाएगा। ये नॉइज़ पीसीबी के अंदर, इसके अंदर के इलेक्ट्रिकल नॉइज़ या सर्जेस है वो सेपरेट किए जाएंगे और सप्लाई जो है बायमेटल के थ्रू पीसी में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यू टू द एनी रीज़न मैग्नेट्रॉन का या कैविटी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये बायमेटल जो है टोटल सप्लाई डिस्कनेक्ट करके माइक्रोवेव को ऑफ कर दिया जाएगा। अभी माइक्रोवेव के अंदर के मेन जो पार्ट है, माइक्रोवेव का हार्ट है जो मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन का काम है माइक्रोवेव जनरेट करना, और माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। माइक्रोवेव जो है, ये माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो है ये मैग्नेट्रॉन बनाता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैविटी के अंदर वेव गाइड से अंदर जाता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है फूड के मॉलिकुलर लेवल के ऊपर उसको पानी, शुगर, फैट को एजिटेट करता है, और ये एजिटेशन के वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और ये फ्रिक्शन के वजह से उसके अंदर हीट जनरेट होती है। तो मेन पार्ट हो गया मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन के सेफ्टी के लिए उसके ऊपर एक बायमेटल थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। सेकेंड पार्ट इज अ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर एक स्टेप अप वाइंडिंग भी है, एक स्टेप डाउन वाइंडिंग भी है, और एक प्राइमरी वाइंडिंग है। बोले तो वन प्राइमरी और टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर अवेलेबल। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, 230 वोल्ट सप्लाई जो है पीसीबी के थ्रू ट्रांसफार्मर को देंगे। ये 230 सप्लाई को ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये 230 का 2000 वोल्ट क्रिएट करेगा एसी वोल्टेज। सेम टाइम ये ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 230 या जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसको 3.3 वोल्ट के अंदर स्टेप डाउन करेगा। ये स्टेप डाउन वोल्टेज जो है, ये स्टेप डाउन वोल्टेज 3.3 वोल्ट मैग्नेट्रॉन को दिया हुआ है, सेम टाइम 4000 वोल्ट भी मैग्नेट्रॉन को दिया हुआ है। ये मैग्नेट्रॉन जो है, इट इज़ ए बेसिकली डायोड। इसका मतलब ये मैग्नेट्रॉन के अंदर एक एनोड है और एक कैथोड है। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट करने के लिए या चालू करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैथोड को हीट करना पड़ता है, और वो हीट करने के लिए ये मैग्नेट्रॉन के अंदर एक हीटर दिया हुआ है। मैग्नेट्रॉन इज बेसिकली डायोड। डायोड का मतलब क्या है, उसके अंदर एक एनोड है और एक कैथोड है। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट करना है, चालू करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैथोड को हीट करना पड़ेगा। इसके लिए मैग्नेट्रॉन के अंदर एक हीटर दिया हुआ है। ये हीटर को 3.3 वोल्ट जो एसी सप्लाई है जो ट्रांसफार्मर का है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 3.3 वोल्ट लो हो गया, लो वोल्टेज हो गया, लेकिन उसके अंदर करंट जो है हाई है। अभी ये ट्रांसफार्मर जो है, जैसे पहले भी बोला है कि ये स्टेप अप भी करता है, तो ये सप्लाई वोल्टेज को 220 वोल्टेज को 2000 वोल्ट के ऊपर स्टेप अप कर देता है। ये हाई वोल्टेज जो है, ये 2000 वोल्ट प्लस 2000 वोल्ट कैपेसिटर का, ये दोनों वोल्टेज जो है
डायोड के थ्रू इसको डीसी में कन्वर्ट किया हुआ है और टोटल 4000 वोल्ट जो है मैग्नेट्रॉन को दिया हुआ है। मैग्नेट्रॉन के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। अब ये मैग्नेट्रॉन देखेंगे तो ये मैग्नेट्रॉन के जो दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल जो है तो एक टर्मिनल के ऊपर एफ लिखा हुआ है और एक टर्मिनल के ऊपर एफ ए लिखा हुआ है। एफ ए का मतलब है फिलामेंट एनोड और एफ का मतलब है फिलामेंट। इसका मतलब इसके अंदर जो हीटर है यहाँ पे 3.3 वोल्ट देते हैं और यही दो टर्मिनल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 4000 वोल्ट भी मिलेगा। अभी 4000 वोल्ट जो है एक ये टर्मिनल पे आएगा, एक और चासिस ग्राउंड किया होगा। तो अब का जो ट्रांसफार्मर है माइक्रोवेव का, ये माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर के अंदर अभी आप देखेंगे ये प्राइमरी के दो टर्मिनल है, उसके ऊपर हम 230 वोल्ट सप्लाई देंगे। सेकेंडरी के दो टर्मिनल है जो डायरेक्ट मैग्नेट्रॉन को कनेक्ट किया हुआ है, वैसे ही एक कैपेसिटर को भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। और 2000 वोल्ट जो है ये 2000 वोल्ट चासिस बोले जाते ट्रांसफार्मर के बॉडी के ऊपर एक पॉइंट बनाया हुआ है वहाँ पे, और हाई वोल्टेज सेकेंडरी का दूसरा पॉइंट जो है ये वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बाहर दिया हुआ है यहाँ पे। ये दोनों के बीच में आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे अराउंड 2000 to 2300 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये मैग्नेट्रॉन चलने के लिए आपको 4000 वोल्ट डीसी सप्लाई जो हमें लगता है, ये सप्लाई 2000 वोल्ट ट्रांसफार्मर का प्लस 2000 वोल्ट कैपेसिटर का, ये 4000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वन वे डायोड यूज़ किया हुआ है, ये डायोड चासिस को कनेक्ट किया हुआ है, और एक जो हाई वोल्टेज का वायर है ये मैग्नेट्रॉन को दिया हुआ है। इस हिसाब से 4000 वोल्ट प्लस 3.3 वोल्ट दोनों मैग्नेट्रॉन के ऊपर दिए हुए हैं। अगर हमें 3.3 चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3.3 चेक करना है तो पहले आपको कैपेसिटर्स के वायर जो है निकालने पड़ेंगे, या ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज सेकेंडरी का वायर डिस्कनेक्ट करो और बाद में 3.3 वोल्ट करो, चेक करो, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है और डीसी वोल्टेज है, इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे मीटर के वायर लगाओ मत, क्योंकि हमारा जो मीटर है खाली 230 या मैक्सिमम 700 वोल्ट चेक करने की कैपेसिटी का वायर है। सही, आप हाई वोल्टेज चेक करने को जाएंगे तो ट्रीमेंडस शॉक लगेगा, ये डेंजरस है। इसलिए कभी भी आपको माइक्रोवेव चेक करना है तो पहले आपको हाथ में से अंगूठी, घड़ी और कड़ा, ये मेटालिक जो पार्ट है ये मेटालिक पार्ट निकाल के ही आपको माइक्रोवेव का कवर निकालना है। उसके बाद में एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लेके आपको कैपेसिटर और चासिस को शॉर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज किया, चार्ज इनकेस होगा तो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है जो बॉडी को शॉर्ट कर रहा है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहा है, फिर भी प्रिकॉशन करके एक टर्मिनल और ये आपको शॉर्ट करना है। अभी जब भी आप पीसीबी के ऊपर माइक्रोवेव का प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो 230 यहाँ पे मिलेगा। समझो पीसीबी आपको चेक करना है ठीक तरह से काम करती है या नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे, एक माइक्रोवेव का ट्रांसफार्मर का प्राइमरी निकाल देंगे और वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, क्लैंप मीटर के, वोल्ट मीटर के वायर लगाएंगे और माइक्रोवेव का प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। समझो आपको यहाँ पे 230 सप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब आपका पीसीबी ओके है। ओके। ट्रांसफार्मर चेक करना है तो आप ट्रांसफार्मर के वायर लीड करके निकाल के उसके रेजिस्टेंस चेक करो और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि ट्रांसफार्मर ओके है या नहीं है। कैपेसिटर चेक करने के लिए इधर आपके पास कैपेसिटर मीटर होना ज़रूरी है या फिर आपके पास अलग कैपेसिटर की ज़रूरत है। अभी सेकंड हो गया कि यहाँ पे ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, जैसे पहले भी बोला है कि इसके अंदर दो हीटर है, एक ग्रिल हीटर है और एक कन्वेक्शन हीटर है। अभी ग्रिल चलता है या नहीं चलता है चेक करने के लिए आपको ग्रिल का प्रोग्राम सिलेक्ट करो। ग्रिल का प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद ग्रिल हीटर के टर्मिनल के आपको
सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब पीसीबी से आपको ग्रिल के टर्मिनल के ऊपर सप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब पीसीबी हो गया है फिर भी ग्रिल नहीं चल रहा है। तो आप ग्रिल हीटर का रजिस्ट्रेशन चेक करो और उसके हिसाब से ख़राब है तो ग्रिल हीटर चेंज करो। वैसे ही कन्वेक्शन फंक्शन सिलेक्ट करो। कन्वेक्शन फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कन्वेक्शन जो हीटर है उसका टर्मिनल है यहाँ पे, यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब आपका कन्वेक्शन हीटर काम कर रहा है। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं पीसीबी खराब है या कन्वेक्शन हीटर खराब है। सही, समझो यहाँ पे सप्लाई ही नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके पीसीबी में प्रॉब्लम है या पीसीबी से यहाँ तक आने वाले वायर में प्रॉब्लम है। ओके, क्लियर? यस, थैंक यू वेरी मच।